हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं 3D फोटो रील कुछ इस तरीके की। तो इस तरह की रील हम बहुत ही इजी तरीके से अपने फ़ोन में क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हम वही देखेंगे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो ऐप की ज़रूरत होगी, मैं दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक आपको VPN की ज़रूरत होगी और एक होगी आपको कैपकट नाम के एक ऐप की। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है TurboVPN में और आप उसको TurboVPN को आप इनेबल कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने में, 1-2 सेकंड का, एंड देन ये कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो एक कोई एडवर्ट दिखाएगा, आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं एंड इसे क्लोज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद आपको अपने सेकंड ऐप पे जाना है जो कि हमारा कैपकट, और उसको ओपन कर लेना है। सो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा जिससे कि आपकी जो रील है वो परफेक्ट बने और परफेक्टली आपकी सॉन्ग के साथ सिंक हो। तो अगर आप कोई सॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं इस रील के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई हाई पेस जिसमें बहुत सारी बीट्स हों, कोई ऐसा सॉन्ग चूज़ करें। आप जाके YouTube पे सर्च कर सकते हैं NCS बीट सॉन्ग्स या फ्री कॉपीराइट फ्री बीट सॉन्ग्स, या ऐसे कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। स्टॉम्प म्यूजिक के नाम से बहुत सारे आपको फ्री YouTube पे सॉन्ग्स मिल जाएंगे, आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। वरना इस ऐप के अंदर भी आपको कुछ सॉन्ग्स मिलते हैं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं सेकंड, ताकि वो एक अच्छा 3D इफेक्ट क्रिएट कर पाए। अगर आपका फोटो बहुत ही प्लेन होगा, सेपरेशन नहीं होगी, तो वो इतना बेटर नहीं लगेगा। तो इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी रील बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। सो आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे एंड यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको फोटो लेने हैं या वीडियो। तो हमें फोटो से क्रिएट करनी है, तो हम फोटो पे जाएंगे और आपके सारे यहाँ पे फोल्डर्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पे एक दिल्ली नाम से फोल्डर्स में मेरे सारे फोटोज इंपोर्टेड हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 5 या 6 फोटोज लूँगा दिखाने के लिए, बट आप चाहें तो जितने मर्जी फोटोज़ की आप रील बना सकते हैं। सो मैं कुछ फोटोज़ ले लेता हूँ। सो मैंने ये 6 फोटोज़ इंपोर्ट कर लिए हैं और ये इंपोर्ट होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट काम जो आपको सबसे पहले करना है, वो आपको एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो आपको इंस्टाग्राम रील के हिसाब से चेंज करना है। तो आपको जाना है, इसको आप नीचे से स्लाइड करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन फॉर्मेट, फॉर्मेट पर जाके आपको उसको कर देना है 16:9। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आप इसे वापस बैक चले जाइए। तो यहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने सारे फोटोज़ को रिसाइज कर लेना है आपके फ्रेम के साइज़ का। आप फोटो को जूम इन करके ऐसे सिलेक्ट करके रिसाइज कर सकते हैं। ऐसे में सारे फोटोज़ को रिसाइज कर लूँगा। देख सकते हैं मैंने सारे फोटोज़ को अपने रिसाइज कर लिया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे सारे फोटोज़ में जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट है उसमें थोड़ी सेपरेशन है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कैमरा है एंड जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा दूर है। इसी तरीके इस फोटो में आपका आगे फ़ोन है, देन पीछे बैकग्राउंड है। अगर ऐसे ही किसी टाइप का आपका पास फोटो है तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देगा। नाउ हम एक सॉन्ग चूज़ कर लेते हैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ से प्लस ऑडियो पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर साउंड्स पर जाऊँगा। तो यहाँ पर अपनी इसकी साउंड लाइब्रेरी भी है, आप वहाँ से भी जाके चूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से आप सॉन्ग ले सकते हैं। बट मैं अपने डिवाइस से चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक सॉन्ग इसमें अवेलेबल है, तो मैं वही यूज़ कर लूँगा। आप चाहें तो उसके अंदर भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। तो मैंने ये सॉन्ग यहाँ पे ले लिया है एंड मैं हल्का सा अगर इसको प्ले करूँ तो आपको ध्यान रखना है जहाँ बीट्स हों आप वहाँ से सॉन्ग्स को चूज़ करें। तो मैं यहाँ से अगर इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ से इसमें बीट्स स्टार्ट हैं यहाँ से, तो मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, इस पर ऐसे टैप करूँगा एंड इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मैं इसको क्रॉप कर लूँगा हमारे सॉन्ग को, और मैं इसको वापस लॉन्ग प्रेस करके इसको स्टार्टिंग में ले आऊँगा फोटोज़ के। सो नाउ हम आपको जो भी इसमें टेक्स्ट अगर ऐड करना है स्टार्टिंग में, आप सब यहाँ नीचे से क्लिक करके टेक्स्ट पे जाके ऐड कर सकते हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक है और आप सब जानते ही होंगे एडिटर आप कैसे यूज़ करना है। तो हम जाते हैं हमें इफेक्ट पे। सो इफेक्ट पे जाएंगे हम, सबसे पहले हमें इफेक्ट यूज़ करना है जो हमारा 3D वाला है। हम फोटो को चूज़ करेंगे एंड इसे यहाँ से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा ऑप्शन स्टाइल। स्टाइल में आपको सेकेंड ऑप्शन दिखाई देगा 3D जूम, आपको ये चूज़ करना है एंड इसको वेट करने देना है जो भी थोड़ा बहुत टाइम लेगा एंड 1-2 सेकंड का, उसके बाद ये जनरेट हो जाएगा। तो इतने जनरेट होता है, मैं आपको बता दूँ कि आपको फोटो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखनी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.6-1 सेकंड आप अपनी फोटो की ड्यूरेशन रखेंगे तो
तो इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप फोटो की ड्यूरेशन बहुत बड़ी कर देंगे, लाइक 3 सेकंड या 4 सेकंड तक ही फोटो चल रहा है, तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो फोटो रह जाएगा ब्लैंक और वो बोरिंग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो फोटो की ड्यूरेशन रख रहे हैं वो सही रखें, ज़्यादा शॉर्ट या ज़्यादा लॉन्ग ना रखें, और हो सके तो म्यूज़िक के साथ उसको एडिट करें, बीट्स पे उसको एडिट करें, तो आपका आपकी रील और ज़्यादा बेटर लगेगी। सो नाउ हमारा इफेक्ट आ चुका है, अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, तो अगर आपकी हाई रेजोल्यूशन फोटो है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐसे कंप्रेस करने का, आप चाहें तो कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रहा हूँ। सो हमारा इफेक्ट ही सही लग चुका है। तो नाउ मैं सेकंड इफेक्ट जो लगाऊंगा, मैं आपको एक टिप देता हूँ अगर आपको बीट्स पर एडिट करना है। तो अगर आप अपनी ऑडियो वेवफॉर्म को अगर ध्यान से देखेंगे ऐसे जूम करके, तो यहाँ पे आपको कुछ अप्स एंड डाउन दिखाई देंगे। तो सबसे अच्छा वे, अगर आपको कोई बीट नहीं समझ आ रही है, तो आप जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा डाउन हो रहा हो आपका सॉन्ग, वहाँ पे आप नेक्स्ट फोटो लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ तक इसे क्रॉप करता हूँ, जहाँ तक ये हमारा डिप हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक वेव फॉर्म में डिप हो रहा है। मैंने इसको यहाँ तक कट कर दिया फोटो को, यहाँ से मैंने नेक्स्ट फोटो स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं इस वाले फोटो को भी डिप करूँगा इस वाले पॉइंट तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ये बीट ड्रॉप हो रही है। ऐसे ही इस तरीके से मैं इस वाले को यहाँ तक ड्रॉप करूँगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे बीट ड्रॉप हो रही है। तो मैं ऐसे ही इन सबको रिसाइज कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सब पे इफेक्ट लगाएंगे तो कैसा लगेगा। तो आपको जहाँ पर भी आपको ऑडियो फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रही है, आप वहाँ पे उसे बीट पैरेट उसे कर सकते हैं। आपको बार बार म्यूजिक सुनने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने सब फोटो को अब बीट्स पैरेट कर दिया है। नाउ मैं इन सब पे इफेक्ट लगा देता हूँ, और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ उसका रिजल्ट। तो आपको जाना है यहाँ पे स्टाइल पे, एंड देन चूज 3D इफेक्ट एंड वेट, एंड ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने सारे फोटोज़ पे अपने इफेक्ट लगा दिया है। मैंने सिर्फ 6 ही फोटो लिए थे आपको दिखाने के लिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा आया है। सो जो देख सकते हैं थोड़ा सॉन्ग जो है मेरा बहुत बड़ा है पीछे तक और वीडियो से ज़्यादा, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे जूम आउट करके एंड देन सॉन्ग को अपने सेलेक्ट करके एंड देन यहाँ से मैं शॉर्ट आउट से कर सकता हूँ। ऐसे मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा तो ये हमारी वीडियो की लेंथ का हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये हमारी इसकी लेंथ का हो चुका है। सो अगर आप मुझे इस वीडियो का एक्सपोर्ट करना है अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए, क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है और मैंने बीट्स पर एडिट किया और ये बहुत अच्छी लग रही है, तो आपको ऊपर जो एरो आ रहा है इस पर टैप करना है, एंड देन यहाँ से आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना साइज़ एंड फ्रेम रेट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम क्वालिटी चाहते हैं, सबसे स्मूथ वीडियो चाहते हैं, तो आप 60 fps पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन यू कैन अपलोड इट टू योर इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ भी आपको अपलोड आप बहुत ईजिली आप इसे अपने फ़ोन में क्रिएट कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं मैंने कितने लिए आपको क्रिएट करके दिखाया। बस आपको ध्यान रखना है कि आप ऐप डाउनलोड करें जिसे दिए हुए लिंक से, बिना VPN के ये ऐप नहीं चलेगा, आपको एरर देगा नो इंटरनेट कनेक्शन का, तो VPN ज़रूर यूज़ करें। एंड फोटोज़ जो हैं वो ऐसे यूज़ करें इसमें फोरग्राउंड बैकग्राउंड में थोड़ा सेपरेशन हो, एंड बीट्स म्यूजिक के बीट्स पे एडिट करें। तो कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन शूट व्हाट्स मेक यू हैप्पी।